मत बोल पतंग की बात नहीं है, तूने पतंग को अभी हाथ लगाया तो उसने पतंग को छुआ तो इसलिए उसने बताया। मुझे घूमने वाले पतंग कहाँ सारी, उसने ले रखी है सारी पतंगे। मुझे ना साफ पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, अपनी कसम। कसम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, आज इसका फिर से एग्जाम होने वाला है, आज एग्जाम है इसका। तो हम लोग सब उठ गए, देखो इसकी भीड़ नहीं खुली है, दिन हो गया है शुरू हमारा। और अब ये बिच्छू क्या करेगा, नहाएगा नहाएगा और फिर इसी तक उठाएंगे। ओके चलो फिर करते हैं, देखो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, मिलते हैं फिर देर में। जय भाई इनू इनू, चलो उठो उठो बेटा। और मैं यहाँ इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी कोशिश की इसको उठाने की, लेकिन लग रहा है कि नींद बहुत गहरी थी तो ये नहीं उठ पाई। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको सोने देते हैं। अच्छे से करो, अच्छे से। ये क्या बाहर आ रहे हो, अंदर चल के करो विशु। और इसका हो गया यहाँ पर ब्रश स्टार्ट, अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। मैंने इसे बोला जरा दिखाओ अच्छे से क्लीन हुए कि नहीं, तो इसने दांतों को ऐसे करके दिखा दिया मुझे। अभी मुझे लगता है इसकी नींद नहीं खुली है, तो ये देखो कैसे नींद में ही मतलब लगा हुआ है ब्रश को ऐसे करने में। चलो तो फिर ओके, मैं आपका दूध बना देती हूँ, ठीक है। और ये इसका दूध बन गया है, ये यहाँ पे मैंने इसको दूध दे दिया, तो ये दूध पीने में थोड़ा सा कर रहा था नखरे, लेकिन मैंने बोला इसको जल्दी से फिनिश करो। वो पीछे जो रखी है वो चाय मुझे ले जाने, नीचे नीचे चाय मेरी है और उनकी है। ये देखो इसको दूध पीने में बहुत परेशानी हो रही है, सोच रहा है कि मम्मा यहाँ से जाए और मैं दूध को रख दूँ, तो इसे ले चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे लगी इसकी थोड़ी सी चोट और ये थोड़ा सा घूम रहा है इधर। ये देखिए सुबह का मेरा नाश्ता क्या, आज मैंने लंच और नाश्ता एक ही बना दिया। जैसे इसमें मैंने दाल बना दी है और ये दाल के तड़के के लिए, और ये आटा है इसे मैं बना दूँगी पराठे। तो पराठे अभी हो जाएंगे नाश्ते के लिए, और फिर जो थोड़े से चावल बना लेंगे तो हो जाएगा। तो अभी थोड़े से बर्तन धोने हैं मुझे, बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ये हाँ अभी नीचे नीचे से आवाज़ आ गई है। और नीचे मत बोल पतंग की बात नहीं है, तूने पतंग को अभी हाथ लगाया तो उसने पतंग को छुआ तो इसलिए उसने बताया। मुझे ना साफ पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, अपनी कसम। कसम कसम क्या होती है, ये किसने सिखाया कसम खाना, पहले तो ये बताओ। वो झूठ बोल रही है, मैं छुआ भी नहीं उसको। बेटा तेरी शक्ल से साफ पता चल रहा है तू झूठ बोल रहा है। उसे पूछ रहा अगर वो पतंग के बारे में बात कर, तूने पतंग को छुआ है ना, तो अभी के अभी मैं पतंग ले आऊंगी और सारी पतंगे फेंक दूंगी। हाँ मिल जाए तो बता देना, ठीक है। उसने छुपा रखी है, मिल जाए ना बता देना। तू बेटा फिर झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं मिल रही, झूठ बोल रहा है ना। नहीं तूने पतंग को नहीं हाथ लगाया, वो उसने मुझे बताया भी नहीं कहा रखी सारी पतंगे, तो वो बोली फाड़ दी मम्मी ने, झूठ बोल रही है वो। कौन झूठ बोल रही है, इनू। तो वो झूठ क्यों बोलेगी पहले तो ये बता। बोल रही है कि वो मम्मी के पास, मम्मी ने फाड़ दी थी पतंग मुझे ना देने की। तो उसने ये क्यों बोला कि तू पतंग से खेल रहा है। मैं पतंग से खेला कहाँ हूँ मैं। तो उसने ये बोला कि वो पतंग से खेल रहा है, क्या कर रहा है, बात कर रहा था मैं पतंग की। तो तूने पतंग की बात क्यों की जब मैंने तुझे बोला है
दो बजे तक तेरी क्लास होती है। मैंने कहा था कि मुझे वो सुन मैंने जो तूने पतंग छुपाई थी वो मुझे वापस दे दे शाम को। हाँ तो फिर ये बोला था सिर्फ। हाँ तो फिर वो बोलने लगी है। क्या बोल रही है? ये पतंग की बात कर रहा है। मैं ये बोल रही हूँ, मैंने कहा है दो बजे तक तू कोई बात नहीं करेगा किसी भी चीज़ के बारे में। अपना पढ़ाई होती है ना उस टाइम पे, अपनी क्लास अटेंड किया करो। अब 15 मिनट का गैप मिलता है ना, उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाया करो, लेट जाया करो, पानी वानी पी लिया करो, जो कुछ खाना है वो खा लो। ये पतंग की बात करना, फिर थोड़ा दूसरे गेम में लग जाना, 15 मिनट मिलते हैं ना बस। हाँ तो फिर तो 15 मिनट तो मिलते हैं, तो 15 मिनट में खेलना है। हाँ ठीक है, तो मैं मैम से बोल देती हूँ इसको खेलना है 15 मिनट में, फिर तुम मैम को अपना जवाब दे देना। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, फिर मैम से बात जवाब ले लेते हैं। 12 बज गए हैं और मुझे करने हैं थोड़े से कपड़े फोल्ड, मैंने धोए थे कल कपड़े और नीचे से मैं भी आई हूँ, तो मेरा काम थोड़ा लेट ही होता है क्योंकि मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। तो ये करने लगे हैं कपड़े फोल्ड। कपड़े फोल्ड करने से इसमें काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखो कर रहा है एक्टिंग कैमरे में आकर, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं अपने कपड़े फोल्ड, उसके बाद जो भी होगा अपने घर का काम करेंगे फिनिश। कपड़े तो हो गए फोल्ड, बस ये चादर हैं दो तीन, ये रखते हैं बेड में। और फिर गर्मी बहुत हो रही है, ये देखो थोड़े से कपड़े फोल्ड करने में कितना पसीना आ गया। तो आप इस चादर को कर देंगे ठीक, और मुझे लगी है गर्मी बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा भी काम करने लगो तो शरीर थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है, तो इस वजह से गर्मी थोड़ा ज़्यादा रंग मिल जाती है। तो कपड़े फोल्ड कर दिए मैंने और खाना मेरा लगभग तैयार ही है, बस दोपहर में लंच टाइम में चावल बनाने। तो कपड़े तो फोल्ड हो गए हैं और अब कर लेते हैं घर की क्लीनिंग जो भी रहती है। नहा के आ गया है, देखो आज ही लेट नहाया है, सुबह देर से उठा था और पेपर इसलिए इतने क्या किया, पेपर बिना नहाए दे दिया।
क्या किया, सिर्फ ब्रश किया और भूल गया। नहा लिए और अब मुझे नहाना है, ठीक है ना। तो नहाते हैं, देखो कितनी गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। काम करते करते देखो कितना पसीना आ गया है, मुझे लग रहा है पता नहीं कितना टेम्परेचर है आज। तो बस अब नहाना रह गया, नहा कर चावल बनाने हैं थोड़े से, है ना विशु। और चावल बना के इधर गया कैसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है। बीच में ना कैसे तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दाल बनी हुई है और बनाने सिर्फ चावल, ठीक है। कढ़ी चावल नहीं, मैंने दाल से बना दी है, कढ़ी चावल नहीं बनेगी, दाल बनेगी। दाल दाल तो बनी हुई है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, तूने मेरी मुझे भी कंफ्यूज कर दिया तो चावल बनाने, सिर्फ चावल बना लेते हैं, पहले नहीं नहाते हैं, पहले नहाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा घर क्लीन है, ये वाला बेड भी लग गया है। ये बैग तो इनके यहीं पर रहने होते हैं क्योंकि इन लोगों को करनी होती है पढ़ाई, तो ये बैग रहता है यहीं, समझ लीजिए इनका एक तरह का स्टडी रूम है। तो इसकी क्लास अब फिनिश हो गई है और ये कर रहा है रेस्ट। क्या कर रहा है विशु? नहीं रेस्ट नहीं कर रहा है, ये पढ़ के शायद बोर हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये बेडरूम भी क्लीन है एकदम, और ये चादर है अभी, बस इनको बेड में लगाना है। और ये तो सो गया है, और यहाँ बनाने लगी मैं अब रोटियाँ, बनाने थे चावल लेकिन हो गया मूड चेंज क्योंकि विशु जो है सो गया और इशिता भी सो गई है, तो मैंने सोचा अब चावल और बनाएंगे, तो क्योंकि विशु ने बना के अपने दिन मैगी बनवा ली थी, तो वही दोनों ने मैगी खा ली। मैंने सोचा अब क्या करना है चावल बना के, और मैं खाने लगी हूँ अपना खाना, थकी हूँ मैं नीचे से आई थी तो कूलर के पास बैठी हूँ। गर्मी आज बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इतना बाहर उमस वाला मौसम हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बाहर जाओगे ना इससे आँख से निकल रही है पूरे मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी बाहर। बाहर का मौसम ये देखो, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही लगता है ऐसा। बैठाओ, और ये हमारी गली में बहुत ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सारा दिन ही लगभग चलता ही रहता है क्योंकि इस गली में जो है बहुत सारे प्लॉट्स खा लिए हैं। और ये साइड में मेरे बेटे का फ्रेंड, ये देखो आज इनको कैसे नींद आई हुई है, शाम के 5 बजे हैं और ये लोग अभी तक सोए हैं। ये इस रूम में सोया है, इसको खानी है कूलर की हवा। और इधर देखो चद्दर सब निकाल के बैठ की, और ये देखो कैसे सोए ये। लेकिन अलग बात है कि चीन इसे दर्शाता रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि पिछली बार इसे सहयोग नहीं मिला था, और ये भी कहते हैं कि दूसरी बार आपको जांच के लिए इस बार फिर से जाने का मन लगा रहा है। तो रात का ये बन रहा है दूध सभी के लिए,
उन दोनों को मैं दे चुकी हूँ। और ये दो ग्लास दूध है मेरे लिए और उनके लिए। तो अब है सोने की तैयारी, ये दूध हो गया रेडी, तो चलते हैं फिर दूध पीते हैं।